हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज। तो हम लोग देख रहे थे अपनी इकोनॉमिक्स और हम लोगों ने काफी कुछ देख रखा है। लेट अस कंटिन्यू दैट डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसको आप लोग देख सकते हैं अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो लॉन्च आवर टेस्ट सीरीज, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज। दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने काफी कुछ देख रखा है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन दैट इज रिलेटेड विथ फाइनेंशियल मार्केट। तो हम लोग देखेंगे आज बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड चीजें। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट, वी हैव ऑलरेडी सीन आवर बैंकिंग फैसिलिटीज, सारे बैंकिंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अपनी फिस्कल पॉलिसी हम लोगों ने देख लिया है जो कि गवर्नमेंट बना रही होती है। फिर हम लोगों ने आरबीआई के द्वारा जो मॉनिटरी पॉलिसी बनाई जा रही होती है उसको भी हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है। तो दिस इज बेसिकली आरबीआई। नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू सम अदर थिंग्स लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह में क्या क्या चीजें हो जाती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है यहां पर अब स्टार्ट हो जाएगा बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग, ये बाइंग एंड सेलिंग दो तरीके से होती है। एक होती है जो मनी मार्केट के तरीके से होती है और एक दूसरी होती है जो कैपिटल मार्केट के जरिए होती है। तो देखते हैं हम लोग क्या कुछ है इस डिस्कशन में। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट ब्रिंग्स बायर एंड सेलर टुगेदर टू ट्रेड इन फाइनेंशियल एसेट। क्या क्या एसेट्स हो सकते हैं? दीज एसेट्स कैन बी स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, डेरिवेटिव एंड करेंसीज। हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने बेसिकली करेंसी के बारे में देख रखा है कि करेंसी क्या होती है, हाउ इट मूव फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। द पर्पज ऑफ ए फाइनेंशियल बैंक या फाइनेंशियल मार्केट इज टू सेट प्राइस फॉर ग्लोबल ट्रेड, रेज कैपिटल एंड ट्रांसफर लिक्विडिटी एंड रिस्क। तो इनका जो प्लान होता है, जो इनका काम होता है, वो ग्लोबल ट्रेड करना होता है, रेज कैपिटल को किस तरीके से उठाना है और ट्रांसफर लिक्विडिटी एंड रिस्क। यू कैन से दैट दिस इज अ मार्केट थ्रू विच वर्चुअल इकोनॉमी ग्रोज। तो ये जो हमारी वर्चुअल इकोनॉमी है ये बढ़ते जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांजेक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, चाहे वो करेंसी की हो, चाहे बॉन्ड की हो, चाहे डेरिवेटिव की हो, चाहे कमोडिटी की हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग। तो ये हमारी इस तरीके से मार्केट बन जाती है। नाउ इट इज ऑफ हैविंग टू टाइप, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सबसे पहले देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या चीजें हैं, कैसे है। तो देखिए, मनी मार्केट का बेसिकली का मतलब होता है जो करेंसी रिलेटेड होता है, एक तरीके से करेंसी रिलेटेड, या कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं जो एक साल से कम के होते हैं। मतलब जो हम लोगों ने बेसिकली रिवेन्यू अकाउंट में देखा हुआ था वो सारा का सारा कह सकते हैं आप कन्वर्ट हो गया है मनी मार्केट में। दिस हैज बीन कन्वर्टेड इन मनी मार्केट। और जो हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट देखा था वो कन्वर्ट हो गया हमारे कैपिटल मार्केट में। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो चलिए फिर देख लेते हैं इसमें। मनी मार्केट्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज एज अ मींस ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग इन शॉर्ट टर्म। देखिए, शॉर्ट टर्म यूजुअली अप टू अ ईयर, एक साल के लिए होता है ये। कैपिटल मार्केट आर मोर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर लॉन्ग टर्म असेट। तो ये लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए हो सकते हैं और ये विच आर दोज विद मैच्योरिटी ऑफ ग्रेटर देन वन ईयर। कैपिटल मार्केट इंक्लूड व्हाट? स्टॉक हो जाते हैं और डेब्ट बॉन्ड मार्केट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो चीजें हो जाती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। वन बाई वन करके जरा चीजों को देखना शुरू करते हैं और थोड़ी सी और क्लैरिटी लेके आते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट की भी। हालांकि शेयर मार्केट हमारे सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ी मोड़ी जानकारी हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि कल को कहीं पर अगर आप जाते हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सम शेयर मार्केट, तो एटलीस्ट यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट दिस शेयर मार्केट। अब देखिए, यहां पर मनी मार्केट के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस मनी मार्केट? तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट क्या होती है? देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। वन इज ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, दूसरी हो जाती है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि ऑर्गेनाइज्ड वो होता है जहां पर 10 इंप्लॉई, मिनिमम 10 इंप्लॉइज काम कर रहे होते हैं। तो 10 इंप्लॉइज या इससे ज्यादा होंगे तो वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहलाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड कौन सा कहलाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड वो कहलाएगा जहां पर भी 10 इंप्लॉइज या उससे कम रहेंगे। तो 10 से जब भी कम रहेंगे, 9 अप टू द 9, ये कहला जाएगी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। यहां पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं मनी मार्केट के बारे में, और मनी मार्केट में भी हमारा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब हो जाती है जैसे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे आरबीआई हो गया,
या डिस्काउंटेड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इसके बारे में हालांकि हम लोग देखेंगे भी अभी। कमर्शियल बैंक्स हो गए, जितने भी हमारे बैंक हो जाते हैं, जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गई, आईसीआईसीआई हो गए, आईडीबीआई हो गई, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा हमारी नाबार्ड हो जाती है जो कि रूरल के लिए होती है, एन एल आई सी, एन जी आई सी, एन यू टी आई। देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बैंक्स। तो ये हमारे पास इस तरीके से चीजें आ जाती हैं। नंबर टू आती है हमारे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिलेटेड विद दिस, ऑब्वियसली इन सबसे रिलेटेड ही होगा। लेकिन यहां पर एक तो नंबर कम होगी, दूसरी इनकी जो फॉर्मेलिटी है वो भी रिलेटिवली कम होगी। लाइक यहां पर जो है वो कमर्शियल बैंक्स है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएंगे, मनी लेंडर्स वगैरह आ जाएंगे। तो मनी लेंडर्स वगैरह का खेल हमें यहां देखने को मिलेगा। तो अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इंक्लूड्स इंडिजिनस बैंक, जो लोकल बैंक्स होते हैं उनके बारे में, मनी लेंडर्स हो गए, चिट फंड्स एंड निधि फंड्स, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इनकी स्ट्रक्चर है वो काफी छोटी होती है, एंड द एम्प्लॉयज कैन बी लेस देन 10 एम्प्लॉयज देयर। तो ये तरीका हो जाता है हमारे इस अनऑर्गेनाइज मार्केट मनी मार्केट के बारे में। क्लियर हो गया क्या चीज अनऑर्गेनाइज? ओके, नाउ वी हैव नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के हमारे पास नंबर ऑफ तरीके होते हैं जिसके जरिए हम लोग कैपिटल को रेज कर रहे होते हैं और इकोनॉमी में सर्कुलेशन को बढ़ा रहे होते हैं। वो क्या क्या तरीके हैं? एक हो जाता है कॉल मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश मैनेजमेंट बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट, कमर्शियल पेपर, रेडी फॉरवर्ड मार्केट, या जिसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट ऑल्सो। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, वी आर नॉट गोइंग टू सी दिस। ठीक है, हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, तो हम लोग को इसको देखने का फिर मतलब नहीं है। इसके अलावा कमर्शियल बिल्स हो जाते हैं, तो हमारे पास हो जाते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लेट अस टेक वन बाय वन, एक एक को देखना शुरू करते हैं और जरा डिटेलिंग करनी शुरू करते हैं इसके बारे में। द फर्स्ट वन इज आवर कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होती है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज दिस इज आवर एसबीआई बैंक, ये मान लेते हैं हमारा एसबीआई बैंक है, फिर हमारा पीएनबी बैंक है, और एक और ले लेते हैं हम लोग जरा अपने आईसीआईसीआई बैंक को। ठीक है, आईसीआईसीआई ये हमारी प्राइवेट बैंक हो जाती है। एसबीआई में क्या है, सपोज किसी दिन क्या है कि काफी ज्यादा कस्टमर्स आ गए, बहुत कस्टमर्स आ गए और सबके सब लोन लेने आ गए, एसबीआई ऑब्वियसली क्या है, बहुत खुश हो जाएगा उस दिन, कहेगा एकदम बहुत ही खुश दिन है आज, सबको लोन देना शुरू कर दिया। एंड एंड ऑफ द डे होता क्या है कि इसके पास में जो भी रिजर्व मनी है वो सारी रिजर्व मनी इसकी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या है, अभी नंबर टू बाकी लोग भी आ जाते हैं फिर से लोन लेने के लिए, ये भी कहते हैं मुझे भी लोन चाहिए, लेकिन अब एसबीआई के पास पैसा नहीं बचा है कि वो लोन दे सके। तो अब क्या होगा, एसबीआई पैनिक नहीं दिखाएगा, पैनिक अगर दिखाएगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो लोग भी डिपॉजिट किए होंगे अपना अकाउंट में पैसा, वो सारा का सारा पैसा लेने आ जाएंगे वापस दौड़ करके, हल्ला मच जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एसबीआई क्या करेगी, पैनिक नहीं होगी, और एसबीआई के पास अब दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ये जाएगा आरबीआई के पास और कहेगा भैया ऐसा है यार हमको पैसा कम पड़ गया, पैसा दे दो। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है यार, नॉर्मल रेट तो रेपो रेट होती है, अभी हम आपको एमएसएफ रेट पे दे देंगे। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात ही कर रखे हैं कि जब भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई कुछ ज्यादा, थोड़े से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे दे रही होती है। तो एक ऑप्शन तो एसबीआई के पास हमेशा ये पड़ा ही हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, लेकिन दूसरी एक और ऑप्शन है कि या तो वो पीएनबी से पैसा ले ले उधार, या फिर वो आईसीआईसीआई से उधार ले ले। अब यहां पर क्या होगा कि टू मेक द सिस्टम मोर हेल्दी, जो हमारे आईसीआईसीआई वाले होंगे या पीएनबी वाले होंगे कहेंगे बिल्कुल यार आज तुम्हारे पास कम पड़ा है, कल हो सकता है हमारे पास कम पड़ जाए, हम पैसा तुमको दे देंगे, दोनों ही पैसा देने को तैयार पड़े हुए हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये लोग भी अपना खुद का कुछ इंटरेस्ट कमाएंगे, कुछ इंटरेस्ट ले लेंगे। इस तरीके के इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट, इंटर बैंक इंटरेस्ट। क्लियर हो गया क्या चीज है इंटर बैंक इंटरेस्ट? और इस पूरे इस तरीके के सिस्टम को जहां पर एसबीआई पीएनबी से या आईसीआईसीआई से पैसा ले रहा होता है लोन के फॉर्मेट में, इस तरीके के मार्केट को बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। समझ में आ गया कॉल मनी मार्केट का मतलब क्या है? ओके, तो देख लेते हैं। द मनी बोरोड और लेंड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास एसबीआई के पास कल आज नहीं तो कल पैसा तो आ ही जाना है, तो एसबीआई क्या करेगी, ले लेगी बाद में पैसा। ये 1 to 14 डेज के लिए होता है, इट इज कॉल्ड नोटिस मनी, एल्स इट इज कॉल्ड कॉल मनी। ठीक है, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, कोई भी कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रस्ट के बेसिस पे ही हो जाता है। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक,
डीएफएचआई पार्टिसिपेट बोथ एज लेंडर एंड बोरोवर, दोनों तरीके से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एसबीआई और एलआईसी दे पार्टिसिपेट एज ओनली लेंडर्स, दे डू नॉट आस्क फॉर मनी, दे ओनली गिव द मनी, ये लोन दे रहे होते हैं केवल. तो द एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, जस्ट टू शो यू द कॉन्सेप्ट की एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है. तो ये थी हमारी कॉल मनी मार्केट के बारे में, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं. क्लियर हो गया? ओके, नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब देखिए, मैंने एक दिन डे वन से ही मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जो इकोनॉमी होती है हमारी, जैसे इकोनॉमी जहां पर भी जो होता है आरबीआई बाहर रहता है, यह हमारी जो बाहर जो है वो आरबीआई हो जाती है. तो दिस इज आवर इकोनॉमी. अब यहां पर इकोनॉमी में जब भी पैसा ऊपर नीचे होता है, या फिर कह लीजिए वर्चुअल करेंसी के कारण से जब भी पैसा प्रॉब्लम में आता है, इस वर्चुअल इकोनॉमी को आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, एक वीडियो है ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड, ऊपर आई बटन भी बन के आ रहा होगा, उसको आप लोग वॉच कर लीजिए. वहां पर वर्चुअल इकोनॉमी को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है. अब देखिए, इस वर्चुअल इकोनॉमी के कारण से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है. इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण से क्या होगा कि पैसे की जरूरत पड़ जाएगी. अब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली अगेन वर्चुअल इकोनॉमी को और बड़ा किया जाएगा, वर्चुअल इकोनॉमी को और बड़ा किया जाएगा. क्यों? क्योंकि देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ मनी. लेकिन प्रिंटिंग ऑफ मनी करना ये कहीं से भी जायज नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये प्रिंटिंग ऑफ मनी अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को जन्म देती है और किसी का कोई भी फायदा नहीं होता है. तो ये हमेशा ऑप्शन बिल्कुल नहीं रखा जाता है. वर्चुअल इकोनॉमी को और क्रिएट किया जाता है. क्रिएट करने के लिए अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक है गवर्नमेंट और दूसरी है प्राइवेट संस्थाएं. दोनों के दोनों बॉन्ड निकाल सकते हैं. लेकिन मार्केट ऑलरेडी क्राइसिस में है, तो जब मार्केट क्राइसिस में रहता है तो उस समय प्राइवेट बॉन्ड खरीदना थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं. लेकिन गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर लेते हैं और इस तरीके से ये जो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स होती है इसको फटाफट खरीद लिया जाता है. जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, इस तरीके के बॉन्ड को ही बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. क्लियर हो गया? क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? या अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है, जैसे ट्रेजरी बिल हो सकती है, या बॉन्ड पेपर हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, ट्रस्ट पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब ये रहेगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, इट विल बी अ लायबिलिटी ऑन गवर्नमेंट. तो बेसिकली दीज आर डेटेड सिक्योरिटीज इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन ये मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? ये मैनेज किया जाता है आरबीआई के द्वारा. तो अब हमें ये पता चल गया है कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे दो काम करती है. एक काम करती है फॉरेन एक्सचेंज जो मनी है उसको रखे रहती है, और दूसरा क्या करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इनको भी अपने पास रखी रहती हैं. मतलब ये खरीद बेच करती रहती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसमें एक होती है ट्रेजरी बिल, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज दैट मैच्योर इन वन ईयर और लेस देन वन ईयर. तो एक साल या एक साल से कम के लिए होता है. बिकेगा कहां पर? ये बिकता है आपके आरबीआई के पास में, आप खरीद सकते हैं. फ्रॉम देयर इश्यू डेट, दे आर इश्यूड कितने कितने के लिए? 3 महीने के लिए होता है, 6 मंथ्स के लिए होता है, एंड 1 ईयर के लिए हो जाता है. तो यू कैन सी दैट 1 ईयर या उससे कम के लिए बेसिकली ये ट्रेजरी बिल निकाला जा रहा है. ये किया क्या जाता है? ये किया इसलिए आता है क्योंकि इंस्टेंटेनियस जो भी प्रॉब्लम आई है उस इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन सब इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है. दीज आर इश्यूड एट डिस्काउंट और रिडीम्ड एट पार, सो नो इंटरेस्ट, 0 कूपन इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा ट्रेजरी बिल है, दिस इज अ ट्रेजरी बिल. इसकी दो चीज होती है, एक होती है जो इसकी फेस वैल्यू होती है और इसकी होती है डिस्काउंटेड वैल्यू. ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू दो होती है. फेस वैल्यू मान लेते हैं कि इसकी 1000 रुपीज है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1000 रुपीज में खरीदना होगा, आपको खरीदना होगा कुछ 950 रुपीज में. 50 रुपीज आपको मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में मिलेगा एक्स्ट्रा, जो आप प्रॉफिट बोल सकते हैं बेसिकली. किसके लिए? 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए. एक्चुअल में दीज आर सम टेक्निकल नेम्स, आसान भाषा में समझते हैं जरा. आसान भाषा का मतलब यह है कि गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है भाई, तुम मुझे आज की डेट में 950 रुपए दो, 3 महीने बाद मेरे से 1000 रुपए लेकर के जाना. तो जो 1000 रुपए लेकर के जाना, यही आपको बेसिकली आप क्या कहेंगे, राइटिंग में लिख करके दो. तो गवर्नमेंट भी कहती है ठीक है, राइटिंग में लिख कर ले लो. तो ये हो जाती है हमारी ट्रेजरी बिल. उस पर बोल देता है कि देखो, इसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज है and you have to pay only 950. Now, the people who are buying this government security, they are assured that I am going to get this 1000 rupees whenever I am going to this sell this property. जो भी हमारी property है वो sell करेंगे तो हमें इस तरीके से चीजें मिल जाएंगी.
तो दिस इज बेसिकली द गवर्नमेंट मार्केट, दिस इज बेसिकली फेस वैल्यू एंड डिस्काउंट वैल्यू। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये तरीका हो जाता है हमारे इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, ठीक है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही नहीं, किसी भी ट्रेजरी बिल का हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी निकाल रही हो चाहे वो गवर्नमेंट एंटिटी निकाल रही हो। ये तरीका हो जाता है हमारे सारे सिस्टम का। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट। अब देखिए, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट का मतलब क्या है? इट इज अ अनसिक्योर्ड लोन एक्सटेंडेड टू वन कॉर्पोरेट टू अनदर। जैसे कि हम लोगों ने बात किया ही था कि हमारे पास नंबर ऑफ बैंक्स जाते हैं, जैसे ये हमारी SBI हो गई थी, ये हमारी PNB हो गई थी, और ये हमारी ICICI हो गई थी, ठीक है। दिस इज ICICI और ये हमारी PNB है। तो जब भी आपस में पैसा कम पड़ता है तो दे एक्सचेंज विद देमसेल्फ, एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरीके की चीजों को हमने बोला था क्या? इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट। जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे उसको बोलेंगे हम इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट। लेकिन जब कोई कॉर्पोरेट एंटिटी इस तरीके का काम करना शुरू कर देती है, जैसे मान लेते हैं कि रिलायंस हो गया, या मान लेते हैं कि आइडिया हो गया, या मान लेते हैं एक और ग्रुप ले लेते हैं टाटा हो गया, सपोज इनमें से किसी एक के पास में पैसे की कमी पड़ गई, तो अब क्या होगा? एक तरीका है बैंक के पास जाना। तो दे डू नॉट गो टू देयर बैंक, दे हेल्प ईच अदर, एक दूसरे से हेल्प करवा लेते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं कि ये चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो चीज होती है, इस तरीके का जो मार्केट होता है, इस तरीके की जो ट्रस्ट या एग्रीमेंट होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं सिमिलर टू दिस बैंक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट। डिपॉजिट मार्केट, क्लियर हो गया क्या चीज है? तो कुछ खास नहीं है, देखिए सारे के सारे टर्म से ही रिलेटेड है, जो ओनली एंड ओनली टर्म्स यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या चीज है, आप अकॉर्डिंगली आप सारा का सारा मतलब समझ जाएंगे। नेक्स्ट होती है हमारी कमर्शियल पेपर। नाम से ही पता चल रहा है दिस इज रिलेटेड विद कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या हो जाता है? कॉमर्स का मतलब हो जाता है ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शनेबल होगी, ट्रांजैक्टेबल होगी। क्या है ये? इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इश्यूड बाय टॉप रेट कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट ए डिस्काउंटेड वैल्यू ऑन फेस वैल्यू फॉर 7 days to 1 year। एक्चुअल में क्या है, हम लोगों ने अभी बात किया है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल निकाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। उसी समय मैंने आप लोग को बताया था कि प्राइवेट भी अपना निकाल सकते हैं, बट ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं होते, पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइवेट कैन डिफॉल्ट। और अगर ये डिफॉल्ट कर जाएंगे तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड की वैल्यू होगी वो नहीं मिल पाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से यहां पर क्या होता है कि जो इस तरीके के ट्रेजरी बिल होते हैं वही प्राइवेट के नाम पे, जब प्राइवेट निकालेगी तो उसका नाम बन जाएगा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल में कुछ खास अंतर नहीं है, एक ही अंतर है कि दिस इज अनसिक्योर्ड, और जबकि ऊपर वाला गवर्नमेंट है और इस वजह से ये हो जाता है सिक्योर्ड। क्लियर हो गया? तो दिस इज बेसिकली दिस थिंग। और बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है कि क्या चीज है, कि यहां पर भी फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू का खेल होता है, और यहां पर भी जो निकाली जा सकती है बॉन्ड वो भी लेस देन 1 year के लिए निकाली जाती है, एज जो ट्रेजरी बिल थी सिमिलर। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं, आगे हमारी आ जाएगी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रिलेटेड विद कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स, अब ये कैश मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कैश मैनेजमेंट बिल्स दे आर लाइक ट्रेजरी बिल बट आर इश्यूड फॉर मैच्योरिटी लेस देन 91 days To adjust temporary mismatch. अब actual में क्या है कि suppose there is a problem in the economy. तो problem हो गई है अगर, तो हमारे पास option है क्या क्या? एक तो government का option है और दूसरी है private का option. अगर government हमारा option है चाहे private हमारा option है, लेकिन हमारे पास option क्या है कि हमारे पास 91 days की हम लोग निकाल सकते हैं treasury bill. ये निकालेगी treasury bill और ये निकालेगी commercial paper. This is commercial paper. तो ये निकालेगी 91 days के लिए, 182 days के लिए, और या फिर 364 वन ईयर वाले के लिए। तो मिनिमम यहां पर 91 डेज है, यहां पर क्या है 7 days, या फिर जो भी मतलब लेस देन वन ईयर तो 364 डेज से कम कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? लेकिन इफ 91 डेज से कम निकालना होगा तो क्या होगा? तो उसको ट्रेजरी बिल हमने नहीं बोलते हैं, सब कुछ सेम है, A to Z सेम है, बस उसका नाम बदल जाता है, नाम हो जाता है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल, और ये हो जाती है लेस देन 91 डेज। वन सेकेंड, 91 डेज। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि दिस इज बेसिकली, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर ये शॉर्ट टर्म मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, तो ये क्या है? ये है तुरंत इंस्टेंट की जो भी टेम्पररी प्रॉब्लम आई है उस टेम्पररी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है, तो ये तो सिक्योर्ड है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। रिस्की कौन सा हो जाता है? देखिए सबसे ज्यादा रिस्की हो जाता है जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म होता रहता है, तो लॉन्ग टर्म में फायदा भी उतना ही रहता है। हालांकि रिस्क के टर्म में अगर बात करें तो रिस्क के टर्म में ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है रिलेटिवली एज कंपेयर टू द इंस्टेंट मंस, लेकिन इंस्टेंट मंस में कुछ खास फायदा भी नहीं होता है क्योंकि यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट आ जाती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या इसी को हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में सीडी भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि आप फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं या फिर आरडी कर देते हैं बैंक में जाकर के। अब देखिए बैंक वाला क्या करेगा, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट किए हो चाहे आरडी किए हो, इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं जा रहे हैं, ऑफलाइन अगर जा रहे हैं, तो बैंक वाला आपको एक डिपॉजिट का रिसिप्ट दे देता है। रिसिप्ट तो बेसिकली ये होती है, एक बड़ा सा पेपर होता है, उस पेपर पे लिखा रहेगा इसकी फेस वैल्यू क्या है, बता देगा कि ये रिकरिंग डिपॉजिट है या फिक्स डिपॉजिट है, क्या डिपॉजिट है, और अल्टीमेटली आपको वो पेपर दे देगा और कहेगा 5 साल 10 साल 10 साल जितने भी साल के लिए आपका डिपॉजिट हो रखा है, वो डिपॉजिट के बाद आप आइएगा, हम आपको पूरा का पूरा पैसा दे देंगे। तो इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दिस इज बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये तो आपको समझाने के लिए है, आरडी और एफडी के फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको होता क्या आता है, दिस इज बेसिकली ए प्रॉमिसरी नोट, ये एक प्रॉमिसरी नोट है एंड इट इज सिक्योर एंड शॉर्ट टर्म इश्यूड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, 15 डेज से 1 ईयर के लिए कहीं पर भी हो सकता है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 1 ईयर से 3 ईयर के लिए हो सकता है। तो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विच इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज आरडी और एफडी। ये तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने के लिए लिया था कि आप क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट समझ सकें कि क्या चीज है इसका मतलब। तो ये सारा का सारा सिस्टम बेसिकली एक ही जैसा है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, और ये जो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं यही आपको ध्यान में रखनी है कि क्या चीज है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉल मनी मार्केट, तो कॉल मनी मार्केट वगैरह ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बाकी सारा तो क्लियर ही होना चाहिए, बाकी आसान भी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यही है रूरल जो आरआरबीज होते हैं लोकल बैंक, दे कैन नॉट इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो इश्यूड बाय डिस्काउंटेड टू फेस वैल्यू, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि सब के सब जितने भी हैं दे ऑल आर इश्यूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, और दिया किस पे जाता है, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे दिया जाता है, डिस्काउंटेड पे खरीदा जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कमर्शियल बिल, व्हाट इज दिस कमर्शियल बिल। सपोज आप जरा ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आप गए 24x7 पे एंड देयर यू हैव बॉट सपोज वॉशिंग मशीन आपने खरीद लिया। क्लियर है, अब वॉशिंग मशीन से आपने क्या किया, पैसा दिया, मान लेते हैं कि ये 40,000 का था, 42,000 का मान लेते हैं। ठीक है, यू हैव पेड देम 50,000, सपोज 50,000 आपने पे कर दिया। अब क्या है, 24x7 को 8,000 रुपीज आपको लौटाना था, वापस करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक पर्ची पे लिख कर दे दिया, कहा कि देखिए 8,000 रुपए अभी हमारे पास खुला नहीं है, आप एक काम करिए 10 दिन 15 दिन इतने दिन बाद आप आइएगा, पर्ची दिखाइएगा और आपको मिल जाएगा आपका जो भी पैसा है, या फिर अगर सामान लेना है तो सामान ले लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल बिल, दिस इज बेसिकली कमर्शियल बिल, जहां पर आपने अमाउंट जो है वो एक कार्ड फॉर्मेट में ले लिया और ये कार्ड फॉर्मेट अब आप वापस से जाकर के इसको ट्रांजेक्शन में ले आ लेंगे, तो ये ट्रांजेक्टेबल हो जाती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, देखिए एक्सचेंज हो गया, आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन द बायर्स ऑफ गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स डिलीवर्ड, दे आर कॉल्ड ट्रेड बिल्स। तो ये बेसिकली हो जाती है जो हमारी कमर्शियल बिल हो जाती है। क्लियर हो गया क्या सिस्टम है हमारा इस कमर्शियल बिल का मतलब। When the trade bills are accepted by commercial bank for discounting are called commercial bill. तो यही चीज अगर आप बैंक में ले आकर के दिखाना शुरू कर देते हैं और बैंक एक्सेप्ट कर लेती है तो ये कमर्शियल बिल का फंडा बन जाता है। तो बस यही छोटी सी चीज थी, इसमें कुछ खास था नहीं। अब इसके बाद से देखिए हम लोगों ने आरबीआई वगैरह सबके बारे में तो डिस्कस कर रखा है, बट हम लोगों ने हमारे इस फाइनेंस के बारे में डिस्कस नहीं किया है, डिस्काउंटिंग एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो लेट अस डिस्कस। देखिए ये भी जो है आरबीआई के द्वारा 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इसका ऑब्जेक्टिव था टू फैसिलिटेट द स्मूदनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंबैलेंस बाय डेवलपिंग एक्टिव मनी मार्केट एंड इंटीग्रेटिंग वेरियस सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो बेसिकली ये जितने भी मनी मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं, इन सबको देखना, इन सबको मॉनिटर करना, इनको
एक तरीके से बैलेंस बना करके रखे रहने का काम, ये हमारे इस DFHI का काम था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट मार्केट, दैट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में देखा ही था कि दिस इज मोर देन वन ईयर के लिए हो जाता है, जो हमारी कैपिटल मार्केट हो जा रही होती है। यहां पर कई सारे एसेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकती है या फिर ट्रेजरी बिल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग विच इज ऑफ मोर देन वन ईयर, दे आर बीइंग कॉल्ड एज कॉर्पोरेट या फिर कैपिटल मार्केट। ठीक है, इट रिफर्स टू द मार्केट फॉर फंड्स विद द मैच्योरिटी ऑफ वन ईयर और मोर देन वन ईयर। द कैपिटल मार्केट इंक्लूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अगेन देखिए, यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दो आ गया है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी जब शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे तो वहां पर भी आपको यह जानना काफी जरूरी हो जाता है कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। सपोज कोई कंपनी है, मान लेते हैं कि रिकॉग्निशन IAS ने क्या किया, आपने बॉन्ड जारी किए हैं, तो अब क्या हुआ, इसने अगर फंड रेज करने के लिए, इस कंपनी ने फंड रेज करने के लिए जब भी शेयर्स लॉन्च करेंगे, तो एट फर्स्ट टाइम, जब भी पहला समय होता है जब ये अपने शेयर, मतलब कि अपनी पार्टनरशिप जब ये सेल कर रही है, तो उसको बुलाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर हो गया क्या चीज है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे अभी रिसेंट में IRCTC से किया था, इन्होंने किया था, IPO निकाले गए थे। अब ये IPO से क्या है, मान लेते हैं कि 10 लोगों ने IPO खरीद लिया, तो जब खरीदेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बाय इट एट प्राइमरी मार्केट। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हैं, इनकी ओनरशिप अब हो गई है 10। यहां पर जो 10 बंदे हैं, इस 10 बंदों की ओनरशिप हो गई है इस कंपनी में, इस कंपनी में इनकी ओनरशिप हो गई है। क्लियर हो गया क्या है, ओके। अब इस ओनरशिप में इनके पास इनका जो भी शेयर है, कंपनी का जो भी शेयर है, क्योंकि इन्होंने शेयर खरीद लिए। अब मान लेते हैं कि इन्होंने कंपनी ने क्या किया, आपने 40% शेयर बेचे थे सपोज, तो 40% के हिसाब से सबके पास 4% सबका शेयर आ गया, शेयर आ गया 4%। अब ये 4% शेयर हो सकता है किसी एक बंदे को ये हुआ कि यार मुझे पैसे की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, अपने इस 4% शेयर को सेल करने की कोशिश करेगा। अब ये जब सेल करेगा तो वो जाएगा कहां, He will go to this secondary market. अब आएगा इस secondary market में, मतलब जो भी shares की जो भी trading होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कहां पे होती है, वो होती है secondary market में। Clear हो गया क्या चीज है, तो ये होती है हमारी primary market and secondary market. Primary market is part of capital market that deals with the issuance and sale of equity backed security to investor डायरेक्टली बाय द इशुअर। तो ये हो गया डायरेक्टली बाय द इशुअर, वेयर रिकॉग्निशन IAS वॉज सेलिंग इट्स फंड, तो ये अपना फंड को बेच रही थी। सेकेंडरी मार्केट इज वेयर द इन्वेस्टर बाय एंड सेल सिक्योरिटी दे ऑलरेडी ओन, तो दे ऑलरेडी ओन एंड दे आर नाउ सेलिंग और बाइंग द सिक्योरिटीज। क्लियर हो गया क्या है, सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट, ओके। अब क्वेश्चन ये उठता है इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट ग्रोथ ऑफ सेविंग, सीधी सी बात है, ये अब इकोनॉमी को और वर्चुअल बना दिया है, और ज्यादा कह लीजिए कि रिजिलियंट बना दिया है, कि जिससे कि सर्कुलेशन इन इकोनॉमी काफी ज्यादा हो गया है और ये ग्रोथ इन सेविंग्स काफी ज्यादा कर देगा। इफिशियंट अलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसोर्स एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, अगर आपको रिसोर्स की जरूरत है तो आप ओन किए हैं, जब नहीं जरूरत है तो फिर आपने सेल कर दिया है। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना चाहूंगा जो कि इस समय करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा प्रचलित है, दैट इज शेयर्ड इकोनॉमी। शेयर्ड इकोनॉमी भी सेम इसी तरीके से काम कर रही होती है एग्जिस्टिंग रिसोर्स के हिसाब से। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आजकल, चाहे ओला सुना होगा चाहे उबर सुना होगा, दोनों में पूलिंग स्टार्ट हो गई है, ओला पूल और ओला मतलब उबर पूल, मतलब बेसिकली क्या हो गया है, शेयरिंग स्टार्ट हो गया है। अब सपोज दिस इज अ व्हीकल, अगर मान लेते हैं व्हीकल है, यहां पर अपना ड्राइवर आ गया, एक सीट यहां पर आ जाती है और बाकी 3 सीट हमारी पीछे आ जाती है। कई बार क्या होता है, सिंगल पर्सन गोज टू दिस कैब और उसके बाद से वो पूरी की पूरी कैब मतलब बुक कर लेता है, लेकिन he had to pay a big amount for that, बड़ी अमाउंट उसको पे करनी पड़ती है। तो जनरली क्या होता है, अगर सिंगल पर्सन रहता है, सिंगल पर्सन कभी भी ओला उबर नहीं फेवर करता है, क्योंकि सीधी सी बात है महंगा पड़ता है, तो क्या करते हैं वो ऑटो रिक्शा या फिर सम अदर जो भी व्हीकल है उसको लेकर के चले जाते हैं। तो ओला उबर ने क्या किया, इन्होंने कहा कि लेट अस शेयर समथिंग, तो इन्होंने कहा सिंगल पर्सन भी है नो प्रॉब्लम, इसको उठाएगा, देन जो भी इस तरीके के सिंगल पर्सन होंगे उनको भी ओला उबर इस तरीके से शेयर कर लेगा अपनी गाड़ी में और इस तरीके से सबके डेस्टिनेशन पे सबको पहुंचा देगा।
तो इस तरीके से क्या हुआ, एक तो शेयरिंग हो गई, दूसरा इफिशियंट रिसोर्स का मैनेजमेंट भी हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो खैर होता ही होता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से ये शेयर्ड इकोनॉमी हो जाती है। तो एक तरीका आप लोगों ने समझा। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा रेंट ऑफ एसी, एसी रेंट पे देना। जैसे क्या है, मान लीजिए कि जो होता है 6 मंथ के लिए एसी की जरूरत पड़ती है, और होता क्या है इसमें, जिसके पास भी एसी है एक्स्ट्रा है या जो भी है, वो क्या करते हैं रेंट पे दे देते हैं, जिसका मंथली वो चार्ज लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से अगेन इफिशियंट रिसोर्स का मैनेजमेंट हो गया। इसी तरीके से बाकी हर चीज होती है, कोई भी चीज अगर आप मान लीजिए शेयर कर रहे हैं, उसको शेयर्ड इकोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर हो गया शेयर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है। आगे बात करते हैं, देखिए ओके, नाउ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट देखे थे, कॉल मनी मार्केट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, तो नंबर ऑफ चीजें वहां पर हम लोगों ने देखी थी। नाउ लेट अस गेट इनटू दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब हम लोग देखेंगे कैपिटल मार्केट के कौन कौन से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहली इंस्ट्रूमेंट होती है दैट इज शेयर। शेयर तो शेयर के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग समझ ही चुके हैं, तो इसमें कुछ खास बताने को नहीं है। सपोज कोई कंपनी है, अगर कंपनी ने अपने जो भी ओनरशिप इसने बेची है, या फिर कह सकते हैं कि इसने अपनी इक्विटी बेची है, इस इक्विटी को बेचने के बाद जो भी लोग इसके शेयर होल्डर बन गए हैं, मतलब कि इसकी इक्विटी को खरीदने के बाद वो अब इस कंपनी की शेयर होल्डिंग कर रहे हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। और ये शेयर होल्डर जब भी अपने शेयर बेचेंगे, यहां पर इन्होंने इक्विटी खरीदी है, अब वो जब शेयर बेचेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे कि नाउ इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो है क्या ये, दिस इज यूनिट ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट। तो देखिए ओनरशिप अपनी बेच रहे हैं, इन द कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल एसेट दैट प्रोवाइड फॉर एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी प्रॉफिट इफ एनी आर डिक्लेयर्ड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो ये हमारी इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। क्लियर हो गया। नाउ द टू मेन टू टाइप क्या है, एक हो जाते हैं जो होते हैं शेयर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं। दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। देखिए एक होती है कॉमन शेयर और दूसरी होती है प्रेफर्ड शेयर। अब दोनों में जरा अंतर एक बार देख लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए कॉमन स्टॉक जो होते हैं और प्रेफर्ड स्टॉक्स, देखिए स्टॉक या शेयर में कुछ खास अंतर नहीं होता है। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक इज बेसिकली द कैपिटल रेज्ड बाय ए कॉर्पोरेशन थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स। तो मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, कंपनी ने अपने जो भी शेयर्स वगैरह बेचे हैं, शेयर्स को बेचने के बाद जो भी पैसा रिटर्न में आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं स्टॉक। तो बेसिकली शेयर और स्टॉक समटाइम्स आर बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली, क्योंकि मतलब दोनों का एक ही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज वेरी रिस्की, ये वेरी रिस्की कैटेगरी में आती है, और ये लेस रिस्की कैटेगरी में आती है। क्लियर हो गया। जो ज्यादा रिस्क होता है उसमें प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है, जो लेस रिस्की होता है उसमें प्रॉफिट भी अपना कम होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन, दिस इज मच मोर रिस्की एंड दैट इज वाई मच मोर प्रॉफिट। ठीक है, लाइफ चेंजिंग सर्विस है ये, इसी वजह से ज्यादा रिस्की भी है। तो इफ यू आर गोइंग इनटू हायर रिस्क देन यू आर अचीविंग हायर प्रॉफिट, चूज वाइजली क्या करना है आपको। कमिंग बैक टू आवर कॉमन स्टॉक, इसमें आते कब स्टॉक में, तो आप लोगों को यह समझ में आ गया कि दिस इज वेरी रिस्की। तो कॉमन स्टॉक्स अलाउज इट्स होल्डर टू मेक अ प्रॉफिट थ्रू राइजिंग शेयर प्राइस एंड डिविडेंड। अब क्या है, मान लेते हैं कि सपोज कंपनी थी हमारी, मान लेते हैं रिकॉग्निशन, ठीक है रिकॉग्निशन आईएस कंपनी है, इसने क्या किया अपने कॉमन शेयर्स भी निकाले हुए हैं और अपने प्रेफर्ड शेयर्स भी निकाले हुए हैं। दोज हू हैव बॉट दिस कॉमन शेयर, इन्होंने क्या किया, कंपनी ने मान लेते हैं कि प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कमाती है तो सीधी सी बात है जो भी इसके शेयर होल्डर्स होंगे उसमें परसेंटेज चला जाएगा, तो दे विल बी बेनिफिटेड विद दिस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से बेनिफिट हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज हो जाती है होल्डर ऑफ कॉमन स्टॉक हैव वोटिंग राइट। यहां पर क्या होगी, जो भी कंपनी होल्डर है वो जो भी मीटिंग होगी उसमें लोग जाएंगे, उसमें अपनी वोटिंग वगैरह करेंगे, और इसके बाद से डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग तो बेसिकली कह सकते हैं कि दे आर द वंस हु आर इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हो जाते हैं। द कंपनी फर्स्ट दे पेड लास्ट, क्यों, कंपनी के ये लोग शेयर होल्डर हैं, तो जो लोग भी शेयर होल्डर होते हैं वो अंतिम में पाते हैं, पहले बाकी लोगों को दिया जाता है। अब बाकी लोग कौन होते हैं, बाकी लोग होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक वाले, जो कि लेस रिस्की है। लेस रिस्की तो ऑब्वियसली इनको भी कम मतलब चीजें मिलेंगी, तो दे द स्टॉक्स पेज अ प्री डिटरमाइंड डिविडेंड, तो पहले से इनको बता दिया जाता है कि प्रॉफिट होगा चाहे नहीं होगा, हम आपको 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए देते रहेंगे।
तो ये प्री डिटरमाइंड एक डिविडेंड हो जाती है जो इनको मिलती रहती है. वेयर एज द डिविडेंड पेड टू कॉमन शेयर होल्डर टेंड टू वेरी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज फॉर्च्यून. तो कंपनी के फॉर्च्यून के हिसाब से ये लोग ज्यादा कम मिलता रहता है. लेकिन जो कॉमन स्टॉक वाले होते हैं वो परसेंटेज पाते हैं, प्रॉफिट आएगा परसेंटेज आएगा. अगर बात करते हैं यहां पर वोटिंग में, तो इसको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है, कुछ भी मीटिंग वीटिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं. अगर मान लीजिए कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता है, कल को ये कंपनी बेचनी पड़ जाती है, तो फिर क्या होगा, देन सबसे पहले जो पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा प्रेफर्ड स्टॉक वालों को. क्यों? क्योंकि ये लेस रिस्की था, इनका पैसा इनको वापस देना जरूरी है. कॉमन स्टॉक वाले ये अंत में पैसा पाएंगे. दोनों में क्लैरिटी हो गई, अंतर क्या है समझ में आ गया. क्वेश्चन ये उठता है कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक ये मिलेगा कहां से. देखिए ये कंपनी निकालती रहती है, यू हैव टू बाय अकॉर्डिंगली. जनरली व्हाट पीपल प्रेफर, दे प्रेफर प्रेफर्ड स्टॉक बिकॉज ऑफ लेस रिस्की कंडीशन. ठीक है, बाकी तो देखिए कंपनी और उसके हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में क्या चीज है. नेक्स्ट आती है अभी डिबेंचर. सबसे पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि शेयर के फॉर्मेट, शेयर और डिबेंचर में अंतर क्या है, तो आपको अपने आप डिबेंचर भी समझ में आ जाएगा. डिबेंचर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शेयर, आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ शेयर. लेकिन अंतर क्या है ध्यान से सुनते हैं. कोई भी कंपनी जो होती है, वो दो सेक्टर में काम करती है. एक सेक्टर होती है जो प्राइवेट सेक्टर होती है और दूसरी होती है जो पब्लिक सेक्टर होती है. सेक्टर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, सेक्टर का मतलब हो गया जैसे ऑयल पब्लिक सेक्टर हो गया, जहां पर आम जनता काम कर रही है. हेल्थ, दिस इज पब्लिक सेक्टर. एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर. ठीक है, तो ये सब हो जाती है हमारी जो पब्लिक सेक्टर होती है. प्राइवेट सेक्टर का मतलब हो जाती है बैंकिंग लाइक. ठीक है, या फिर मान लेते हैं कोई भी ऐसी चीज जो केवल और केवल प्राइवेट काम के लिए कर रही हो, जनरल स्टोर्स. ठीक है, तो ये सब एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर की चीजें चली जा रही होती हैं. अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि देन कंपनी, ये जो कई बार आप लोगों ने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है और पब्लिक लिमिटेड क्या होती है. तो देखिए प्राइवेट सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे हमारा पब्लिक सेक्टर हो, दोनों के पास ऑप्शन है ईदर टू गो विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LTD और पब्लिक लिमिटेड. सेम यहां पर भी दोनों ऑप्शन है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, दोनों ही तरीके से काम कर रहे होते हैं. क्लियर हो गया क्या चीज है. अब देखिए जो प्राइवेट लिमिटेड होती है, दे नेवर स्टैंड ऑन स्टॉक मार्केट. इनको स्टॉक मार्केट में कभी भी चढ़ाया नहीं जाता है, दिस मार्केट ये नहीं जाती है. जो पब्लिक मार्केट होती है केवल और केवल इनके पास ऑप्शन होता है कि ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती हैं. तो यहां पर लिस्ट हो गई, ये लिस्ट होगी क्या, नहीं होगी. ये लिस्ट होगी, यस लिस्ट हो जाएगी. तो अब जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी केवल और केवल वही ना अपनी शेयर्स निकाल सकती हैं. तो निकालने को तो शेयर यही निकालेगी, तो यही निकालेगी. लेकिन अगर प्राइवेट वालों को अपना पैसा रेस करना हुआ तो वो क्या करेंगे, उनको वो शेयर नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं. दे विल रिलीज देयर शेयर इन द फॉर्मेट ऑफ डिबेंचर. ये लोग निकालते हैं बेसिकली डिबेंचर. ठीक है, लेकिन जब भी जनरली आप पढ़ेंगे तो शेयर्स और डिबेंचर को एक इंटरचेंज टर्म में बोल दिया जाता है. तो यहां पर भी लोग बोल देते हैं कि दिस इज ऑल्सो डिबेंचर, बट इन एक्चुअलिटी, एक्चुअल में क्या है कि प्राइवेट कंपनीज दे जनरली इश्यू देयर डिबेंचर. क्लियर हो गया क्या चीज है डिबेंचर का मतलब. अब जरा इसके बारे में देख लीजिए. डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल असेट और कोलेटरल. यहां पर किसी प्रकार से ये मतलब सिक्योर्ड नहीं होती है. द डिबेंचर आर बैक्ड ओनली बाय द जनरल क्रेडिट वर्थनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द इश्यूअर. तो जो भी कंपनी है उसके इश्यूअर की कंपनी के रेपुटेशन पर डिपेंड करती है. बोथ कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली इश्यू दिस टाइप ऑफ बॉन्ड टू सिक्योर कैपिटल. तो देखिए यहां पर चीजें वही आपकी ऊपर से लिख दी गई है. ठीक है, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ डिबेंचर एज ऑफ कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल. कन्वर्टिबल का मतलब होता है जो डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो सके, और यहां पर कन्वर्ट नहीं हो सकता है. तो बस वही चीज है. कन्वर्टिबल आर बॉन्ड दैट कैन कन्वर्ट इनटू, लेट मी क्लियर इट. कन्वर्टिबल डिबेंचर आर बॉन्ड्स दैट कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द इशुइंग कॉर्पोरेशन आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो शेयर में कन्वर्ट हो जाती है, और यहां पर जो कन्वर्ट ना हो सके वही हो जाता है क्या, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. अब यहां पर देखिए एक बॉन्ड की चीज आती है. व्हाट इज दिस बॉन्ड. बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक तरीके से बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट है. दिस इज बेसिकली एन एग्रीमेंट, जहां पर आपको एक इशू मतलब कि एक तरीके से दिस इज सिक्योर्ड बोल सकते हैं. दिस इज सिक्योर्ड क्योंकि इसमें स्टैम्प पेपर का यूज हो जाता है, स्टैम्प पेपर. ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स आर प्रेजेंट द मेजोरिटी ऑफ इश्यूड डेब्ट कैपिटल.
Although the term bond and debenture often issued interchangeably, दोनों एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो interchangeably use हो जाते हैं, क्योंकि debentures are also a kind of bond, एक तरीके से bond ही होती है जो corporate entity निकाल रही है, तो corporate वाले निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये debenture कहला जाती है. The bond and debenture are often used interchangeably, the two are distinct. Bond is typically a loan, एक तरीके का loan है जो company उठा रही है, that is secured by a specific physical asset, किस तरीके से, stamp paper के जरिए. A debenture is secured only by the issuer's promise. यहां पर कोई stamp paper नहीं clear हो जा रहा है, यहां पर कोई भी stamp paper वगैरह नहीं sign किया जा रहा है, यहां पर केवल क्या trust है एक तरीके से कह सकते हैं. Bonds have lower interest rate compared to debenture. क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये secured है और कोई भी चीज जब secured रहेगी तो उस पर profit भी कम रहेगा. यहां पर क्या है, secured नहीं है, profit भी high रहेगा. अब देखिए इसको फायदा क्या होता है, कंपनी को फ्री फंड में पैसा मिल गया है, कंपनी को फ्री फंड में पैसा मिला है तो एक ऑप्शन है कि ये बढ़िया से काम करे, प्रॉफिट बढ़िया दे, जिससे कि कंटिन्यूअसली मनी फ्लो इनका डिबेंचर के फॉर्मेट में बना रहे. और दूसरा होता है जहां पर डिफॉल्ट कर सकती है, तो डिफॉल्ट करेगी तो हमारे लीजेंड लोग होते हैं तो बात ही खत्म हो गई. नाउ कमिंग टू डेरिवेटिव्स, अब हमारा स्टार्ट होता है हमारा शेयर मार्केट का फंडा, शेयर मार्केट. अब देखिए शेयर मार्केट आप लोगों ने सुना होगा, पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं शेयर मार्केट के बारे में, तब आपको एक थोड़ी मोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी क्या चीज है. सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग इन योर शेयर मार्केट, मान लीजिए आपके पास पैसा है, कैपिटल है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्ट ऐसे नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, दैट इज डीमैट अकाउंट. ठीक है, डेरिवेटिव अकाउंट एक खुलवाना पड़ेगा. इस डेरिवेटिव अकाउंट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ब्रोकर से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ब्रोकर नंबर ऑफ बहुत सारे लोग हैं, जैसे ओसवाल मोतीवाल हो गए, कार्बी एंड ऑल दैट, जितनी भी चीजें हैं सारे के सारे ब्रोकर ही हैं. तो ब्रोकर के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे. नाउ दिस ब्रोकर, ये जो ब्रोकर है ये आपकी सेलिंग और बाइंग करेगा. नाउ यू हैव टू ऑप्शन अगेन सेलिंग और बाइंग में, आप ब्रोकर का सहारा तो ले लिए, एंड ब्रोकर इज बेसिकली वॉट, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. अब इस ब्रोकर में दो ऑप्शन है, ये आपको दो तरीके की सुविधा पहुंचाता है. एक पहुंचाता है कि भाई आप बताइए कि आपको कोई बंदा चाहिए जो आपको हेल्प करे, या आपको अपना खुद का दिमाग लगाना और हमसे केवल और केवल सॉफ्टवेयर चाहिए. तो आप डिसाइड करेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे सॉफ्टवेयर दे दो, मैं अपना खुद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. इसके लिए भी छोटा सा एक चार्ज लिया जाता है बैंक के द्वारा, जैसे बहुत सारे हैं जीरोधा हो गई, ये सब जो होती है चार्ज लेती है. या फिर बंदा ले लीजिए, इसका भी हम छोटा सा एक चार्ज ले लेंगे, पर शेयर चार्ज ले लेंगे. तो आपके ऊपर होता है कि किस तरीके से आपको करना है. अब यहां पर चीजें क्या है, यहां पर बेसिस होता है ट्रस्ट का. अगर आपको ट्रस्ट है इस बंदे पे तो ठीक है, इसको यूज करिए, नहीं है तो सॉफ्टवेयर को यूज करिए और अपना खुद का दिमाग लगाइए. तो इस तरीके से चीजें हो जाती है. अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये हमारी जो बाइंग और सेलिंग है ये होती कैसे है या क्या चीज होती है. तो यहां पर कई तरीके की चीजें हो जाती हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव. डेरिवेटिव नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद डेरिवेशन. डेरिवेशन, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज आप निकाल रहे होते हैं, दिस इज द आउटकम बेसिकली. तो आप कोई चीज जब निकाल रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन, और यही होती है बेसिकली डेरिवेटिव. अब ये डेरिवेटिव का फंडा क्या है, देखिए कई सारी चीजों में यूज होता है, पहले जरा डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली है. तो इट इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद अ वैल्यू दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट और ग्रुप ऑफ असेट. तो जो भी असेट या ग्रुप ऑफ असेट्स है पड़ी हुई है उसकी वैल्यू को आप डिराइव कर रहे हैं. कैसे डिराइव कर रहे हैं, अभी मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे डिराइव कर रहे हैं, बट फर्स्टली इसको कंप्लीट कर लेते हैं. द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग असेट्स इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडेक्स. तो इसमें कुछ खास नहीं है, आप ऑलरेडी जान रहे हैं. डेरिवेटिव आर ईदर बी ट्रेडेड ओवर द काउंटर और एन एक्सचेंज, एक्सचेंज के बेसिस पे भी कर सकते हैं. एक्सचेंज का मतलब हो जाता है जहां पर आप स्टॉक एक्सचेंज का सहारा ले रहे होते हैं. इट इज अ फिजिकली एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेटअप वेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक मार्केट, ये सब चीजें जहां पर ट्रेड हो रही होती हैं. अब हम लोग जरा वापस से आते हैं डेरिवेटिव के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डेरिवेटिव का मतलब क्या है. डेरिवेटिव मान लेते हैं दिस इज यू, ठीक है, यह आप है, और एक मान लेते हैं कोई भी कंपनी वाला है, दिस इज एनी कंपनी वाला, या फिर बोल सकते हैं कि दिस इज स्पेक्यूलेटर भी इसको बोलते हैं, या स्पेक्यूलेटर नहीं, कंपनी वाला ही बोलिए, दिस इज बेसिकली द स्पेक्यूलेटर, ये स्पेक्यूलेटर है. अब मान लेते हैं कि इस कंपनी ने एक व्यक्ति को अपना बॉन्ड बेचा हुआ है, दिस इज बेसिकली बॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं शेयर इसने अपना बेचा हुआ है. नाउ अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसकी जो बॉन्ड वैल्यू है इसका
फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन मतलब मान लेते हैं कि आज 4 मई 2020 है, इस बंदे को आप बोलते हैं यार सुनो आज की आज में खेलोगे तब क्या मजा है, मजा तो तब है जब आप फ्यूचर में खेलोगे। तो ये कहेगा कि यार बात तो तुम्हारी सही है लेकिन यार बड़ा रिस्क है, कहेगा रिस्क में ही तो प्रॉफिट है। ये बंदा आपके एकदम कॉन्फिडेंस में आ गया, आपने कहा कि चलो ठीक है एक काम करो तुम्हारे पास आज की डेट में रिलायंस का शेयर है, इन्होंने बोला हाँ पड़ा है, ठीक है कितने का है, मान लेते हैं कि 40 रुपीज का है पर शेयर। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है आई हैव 1 लाख रुपीज, 1 लाख या मान लेते हैं 4 लाख रुपए है, ठीक है 4 लाख रुपए है और मैं आपको वचन देता हूं, ठीक है ये ध्यान सुनिएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 3 मई 2019 को आपका जो ये शेयर है 40 रुपीज का शेयर मैं ये 42 रुपए में खरीदूंगा। क्लियर हुआ क्या है, तो मैं ये 42 रुपए में खरीदूंगा। अब ये बंदा बेसिकली स्पेक्यूलेट कर रहा है, ये बंदा अंदाजा मार रहा है, ये बंदा बेसिकली आपको ट्रस्ट, आपको एश्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है अगले साल इसकी बॉन्ड वैल्यू 100% या तो 42 होगी या 42 से ज्यादा होगी। आपने कहा अब आपके दिमाग में क्या चलेगा, यार बड़ा फायदा है यार मजा आ गया, 2 रुपए का फायदा ही देगा, अब 2 रुपए का फायदा मतलब अच्छा खासा फायदा, ठीक है क्योंकि वो एक बॉन्ड है, ही इज हैविंग 4 लाख रुपीज तो अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं, सोच करके बैठे होंगे कि अगर सपोज ये बॉन्ड 38 रुपए गया तो भी मुझे 42 रुपए मिलना है, और अगर ये बॉन्ड 45-50 रुपए चला गया तब तो 42 ही मिलेगा, तो कहीं से भी मेरा घाटा नहीं होने वाला है, लॉस नहीं होगा मेरा। हाँ जो प्रॉफिट हो सकता था 45 रुपए पे वो प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाएगा लेकिन घाटा नहीं होगा, मतलब मेरा जो इनिशियल अमाउंट जो मैंने लगा के रखा हुआ है वो कभी मेरा मेरे से वापस नहीं जाएगा। इस तरीके से अमाउंट को, इस तरीके से ये जो असेट थी इसको आपने डिराइव किया है। समझ में आया क्या चीज है डेरिवेटिव का मतलब, दिस इज हाउ द शेयर मार्केट गोज ऑन, इस तरीके से शेयर मार्केट काम कर रही होती है। तो ये जो डेरिवेटिव होते हैं कई तरीके से काम कर रही होती है, कई तरीके की डेरिवेटिव होती है, एक होता है जिसको फ्यूचर बोलते हैं जो कि हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, इसको बोलते हैं फ्यूचर, फ्यूचर मार्केट इसको बोलते हैं, कई बार आप लोगों ने नाम भी सुना होगा फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, तो ये बेसिकली फ्यूचर मार्केट होती है जो काफी ज्यादा सिक्योर होती है। दूसरी होती है जिसको बोलाता है फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट दिस इज वेरी रिस्की, काफी रिस्की होता है फॉरवर्ड मार्केट में, क्या होती है हमारे काम का नहीं है इसलिए हम लोग यहां पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बाकी स्वैप एंड कई चीजें और भी चीज होती है, जैसे एक चीज होती है और स्वैप होती है, ठीक है तो ये भी होता है, तो ये सब हमारे काम का नहीं है इसलिए हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या चीज है इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद से देखिए यहां पर भी दो चीजें अगेन लिखी हुई है, एक है ओटीएस और दूसरी एक्सचेंज। ओटीएस का मतलब होता है जब आप बंदे से बंदा आपस में आप ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब वन ऑन वन ट्रेड कर रहे हैं, और दूसरा एक्सचेंज में आप एक एक्सचेंज में लिस्टेड बंदे के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। कौन सा ज्यादा सिक्योर है, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा सिक्योर है, क्यों, क्योंकि दिस इज रजिस्टर्ड कंपनी, दिस इज रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये हमारे क्या है एनबीएफसी है, लेकिन यहां पे बंदा ही इज नॉट रजिस्टर्ड तो ये क्या है हाईली रिस्की, काफी ज्यादा ये रिस्की हो जाता है। समझ में आ गया ओटीएस और एक्सचेंज का मतलब क्या है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं जरा, काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नाउ इसके बाद छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, बहुत ही आसान आसान सी चीजें, जिसको एक को बोलते हैं पब्लिक इशू, दूसरे इसी तरीके से होती है इसको बोलता है राइट इशू या फिर प्राइवेट इशू। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लेते हैं कि दिस इज सपोज, वन सेकेंड, दिस इज सपोज अ कंपनी, ये मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, ठीक है दिस इज एनी कंपनी, इसके पास में ऑप्शन क्या क्या होती है, एक ऑप्शन होती है कि स्टॉक को बेचना है, स्टॉक को बेचने के लिए दो ऑप्शन अगेन, एक ऑप्शन होता है ओपन टू ऑल, दिस इज ओपन टू ऑल, दूसरा ऑप्शन होता है केवल और केवल राइट इशू, या फिर कह सकते हैं ओपन टू प्रेफर्ड वंस या ओपन टू ओनली द सेलेक्टेड वंस, तो दिस इज ओपन टू सेलेक्टेड वंस। तो ओपन टू ऑल जो होता है उसको बोलते हैं पब्लिक इशू, जो सबके लिए ओपन हो गई, जो सेलेक्टेड के लिए होते हैं उसको बोलते हैं राइट इशू, जो केवल और केवल कुछ लोगों के लिए ही खुली होती है। तो पब्लिक इशू का मतलब हो गया, पब्लिक इशू इज ओपन फॉर ऑल इंडियन सिटीजन, द मोस्ट ब्रॉड मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल एंड मोस्ट प्रेस्टीजियस। दूसरी होती है राइट इशू, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर डिस्कस ही किया, और ये हो जाती है क्या, रेजिंग कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, इट मीन्स इट इज प्रेफरेंशियल काइंड ऑफ इश्यू रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक ओनली। क्लियर हो गया क्या चीज है दोनों में,
कुछ खास नहीं है अंतर, सब कुछ सेम ही है। इनफैक्ट हम लोगों ने जब इकोनॉमिक सर्वे देखा था वहां पे मैंने काफी ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस ही किया था। एक और होती है छोटी सी चीज जिसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अगेन ये हमारी कंपनी थी, दिस इज आवर कंपनी। कंपनी के पास में शेयर्स थे, शेयर्स निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बोला कि दो तरीके, एक तरीका था जो पब्लिक इशू हुई थी, पब्लिक इशू, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि जो राइट इशू हो गया। राइट इशू को ही कई बार बोल देते हैं इसको प्राइवेट इशू, ठीक है, दोनों में अंतर कोई नहीं है, प्राइवेट इशू हो जाती है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है, क्या तरीका है, जैसे मैंने आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, नाउ आई एम रिपीटिंग दैट एग्जाम्पल। कोई एक होटल वाला है, दिस इज एनी होटल वाला, और होटल वाले ने अपनी मतलब की प्रॉपर्टी को चला रहा था बट लॉस में जा रही थी, लॉस मेकिंग प्रॉपर्टी थी ये। तो अब अगर ये अपने इस होटल को, इस लॉस को अगर ये सेल कर रहा है इसी टाइम पे, तो ऑब्वियसली इसकी अगर होटल की वर्थ 1 करोड़ रुपए है, तो ऑब्वियसली ये जब सेल करेगा तो ये 70-80 लाख ही पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉस में जा रही है। कोई भी खरीदेगा तो यही कहेगा, यार तुम तो लॉस में जा रहे हो, तुम तो वैसे भी किसी काम के नहीं हो, तो कम पैसे में देगा। लेकिन इसके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि ये किसी एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पहले बेच दे, बेचेगी और बेचने के बाद क्या करेगी, ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस होटल को एनालाइज करेगी एंड अकॉर्डिंगली इट विल ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द असेट। रिकंस्ट्रक्ट द असेट का मतलब क्या, होटल की जगह पर यहां पर खोल देंगे कोई ना कोई एक पब खोल देंगे, या फिर कोई भी एक यहां पर मतलब कुछ भी खोल सकते हैं, रिक्रिएशनरी आइटम खोल देते हैं, या फिर मान लेते हैं कि यहां पर इन्होंने पोकर आइटम खोल दिया, तो कुछ इस तरीके की चीजें खोली जो यहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं। इसके बाद से क्या हुआ, इसको इन्होंने प्रॉफिट में लेकर के आया, जो पहले लॉस में आ रही थी उसको इन्होंने प्रॉफिट में लेकर के आया और अल्टीमेटली इसको सेल कर दिया। और सेल करने के बाद अगर इसकी वर्थ 1 करोड़ थी, अगर ये 60 लाख रुपीज और लगा दिए और इस तरीके से इन्होंने अपना जो कमाना शुरू कर दिया, वो मान लेते हैं कि वर्थ इन्होंने 2 करोड़ कर दी, अब ये जब सेल करेंगे तो अब इसकी ऑक्शनिंग में इसकी रेट 2 करोड़ से ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी फ्यूचर काफी अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर, तो ये 3 करोड़ 4 करोड़ में बिक जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक लॉस मेकिंग 1 करोड़ आइटम को इन्होंने 3 करोड़ में बदल दिया ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस 60 लाख रुपीज ओनली। क्लियर हो गया क्या चीज है, क्या हुआ है? अब देखिए, अगर ये लॉस मेकिंग कर रही है और सेल कर रही है, तो अब इस समय जो इसका शेयर बिकेगा उसका दाम गिरा हुआ मिलेगा, चाहे वो पब्लिक इशू कर रहा हो चाहे प्राइवेट इशू कर रहा हो, दोनों ही गिरेगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या था, असेट रिकंस्ट्रक्शन का। असेट रिकंस्ट्रक्शन वाले तरीके को ही बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट, दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर हो गया क्या चीज है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट। अब देखिए क्या है, रेजिंग कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट मे बी टू इंडिविजुअल ऑल्सो। अब जैसे यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हो सकते हैं, मर्चेंट बैंक हो सकते हैं, मर्चेंट बैंक क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे क्या चीज है। एग्जाम्पल के तौर पर गोल्डमैन, दिस इज गोल्डमैन सैक्स, ये एक तरीके की कंपनी, एक तरीके की बैंक है जो रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है, ओके। अब एक छोटी चीज होती है जिसको गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं जी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हम लोगों ने ऑलरेडी गिल्ट एज सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिस्कस ही कर रखा है, जस्ट ये भी एक तरीके का वही चीज है। दिस इज ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड इश्यूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दे आर रिस्क फ्री ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो गवर्नमेंट की है तो इसमें कोई ट्रेड वेट का रिस्क नहीं होता है, तो ये चीजें हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जैसे ट्रेजरी बिल हो गई, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस ही कर रखे हैं। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट यहां पर आपको ध्यान देने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट कैन इश्यू ओनली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म नहीं कर सकती है, केवल और केवल लॉन्ग टर्म कर सकती है। शॉर्ट टर्म का करने ही है अगर, तो आप गवर्नमेंट से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से आप ग्रांट मांग लीजिए और बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये हो गया गिल्ट एज सिक्योरिटी के बारे में, क्लैरिटी आ गई क्या चीज है। अब बाकी एक छोटी सी चीज है जिसका नाम है प्लेयर्स इन द इंडियन मार्केट, कौन कौन होते हैं, एक होते हैं जो मर्चेंट बैंक होते हैं, दूसरी होती है म्यूचुअल बैंक, म्यूचुअल फंड। तो जो मर्चेंट बैंक होते हैं, दे आर बेसिकली सिंपल बैंक्स, बट दे आर हैविंग कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑल्सो, कंसल्टेंसी सर्विसेज। मतलब अगर मान लीजिए आपको कंपनी कोई भी, मान लीजिए बोल सकते हैं दिस इज बैंक ऑफ कॉर्पोरेट, मान लेते हैं आपने कोई कंपनी ओपन की है और अभी आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, यू विल पे सम रिम्यूनरेशन देयर, कुछ पैसा वहां पर देंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल ट्राई टू गिव यू सम आइडिया कि हाँ आप ये काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, इस तरीके से आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, अच्छा करेंगे आप।
तो आपको जो बेसिकली ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड की गई है, ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है हमारे इस मर्चेंट बैंक के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आईसीआईसीआई मर्चेंट बैंक है, आपको आइडिया दे रही होती है। एचडीएफसी, ये भी आपको आइडिया दे रही होती है क्या करना है कैसे करना है। तो हो जाती है मर्चेंट बैंक आपकी। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके। इट मैनेज एंड अंडर राइट न्यू इशू, प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर्स फॉर रेजिंग फंड्स एंड अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो तरीका बता रही होती है कैसे क्या करना है। बाकी देखिए, हमारी म्यूचुअल फंड आ जाती है। म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल मेड अप ऑफ ए पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ सिक्योरिटी सच एज स्टॉक बॉन्ड्स एंड ऑल दैट चीजें। तो जो ये हमारी म्यूचुअल फंड है, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफी लंबा हो गया आज की क्लास। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं म्यूचुअल फंड एंड इससे रिलेटेड जो भी चीज है, जो भी टॉपिक्स है, और हमारा बचा हुआ फाइनेंशियल मार्केट का पूरा टॉपिक। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस इकोनॉमी बाय दिस वीक। नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ज्योग्राफी। तो इस वीक में हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं इकॉनमी। एंड दोज जो कि अभी तक नहीं कंप्लीट किए हैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाइए, गियर को जरा शिफ्ट करिए और थोड़ा मेहनत करिए। चले फिर, अगर कोई डाउट होता है तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट तो उसको रेज करिए, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।